ये हेयर ऑयल जिसकी रेमेडी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बाल मोटे होना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी कडोज। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे हेयर ऑयल की रेमेडी जो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत सहायक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए सरसों का तेल। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल भी उतना ही फायदेमंद होता है जितना कोकोनट ऑयल। सरसों के तेल में हम इसके बाद ऐड करने वाले हैं फ्रेश एलोवेरा कट करके। आपको बाजार वाला एलोवेरा इसमें नहीं लेना है, फ्रेश एलोवेरा ही लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 2 फूल हिबिस्कस के। हिबिस्कस जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत सहायक होता है। साथ ही साथ हिबिस्कस की पत्तियां भी हम यहाँ पे ले लेंगे, 2 से 3 पत्तियां भी आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद हमें लेना है यहाँ पे करी लीव्स। करी लीव्स आपकी स्कैल्फ से इन्फेक्शन को दूर करता है। वैसे भी इस मानसून सीजन में स्कैल्फ इन्फेक्शन एक आम बात है। उसके बाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कलौंजी। कलौंजी आपके बालों को काला बनाता है, शाइनी बनाता है। फिर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए 10 से 15 मिनट तक। इसको लो फ्लेम पे आपको हीट करना है ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट इस ऑयल में अच्छे तरीके से प्रॉपर मिक्स हो जाएं। थोड़ी देर के बाद जब ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से, तो इसको छान लीजिए। छान के आप इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसको एक जार में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपका हेयर ऑयल तैयार हो चुका है। रात को सोते टाइम अपने बालों की जड़ों में आपको इससे मसाज करनी है, अगले दिन शैम्पू करना है। अगर आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है तो आप 2 घंटे पहले भी इसको अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर इन्फेक्शन, सारी हेयर की प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। ये तो हो गया आपके पहले दिन का ट्रीटमेंट। आपको हेयर ऑयल रात भर लगा के रखना है, अगले दिन शैम्पू करना है। जब आप अगले दिन शैम्पू करेंगे तो शैम्पू करने के बाद आपको अप्लाई करना है हमारा ये मैजिकल हेयर मास्क। इस हेयर मास्क के इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ हो जाएंगे। बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगा, बाल बेहद खूबसूरत लगने लगेंगे, बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, बालों का टेक्चर इंप्रूव कर देगा। चलिए इसको बनाते हैं जल्दी से। इसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा फ्रेश, उसको पीसेज में कट कर लीजिए। उसके बाद चाहिए मेथी दाने का पाउडर, पाउडर फॉर्म में मेथी दाना। अगर आपके पास नहीं है तो मेथी दाने को आप क्रश भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 1 से 2 चम्मच हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं दही का। दही नेचुरल क्लींजर का काम करता है। फिर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं लेमन जूस। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद ये एक क्रीमी पेस्ट में आपको रिसीव हो जाएगा। यही आपका हेयर पैक है। ये आपके बालों को मजबूत भी बनाता है, शाइनी बनाता है, हेयर फॉल को भी ये रोकता है, कंट्रोल करता है। कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है। जैसे बाजार वाला हेयर पैक होता है, इसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है, एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी में है। और हिबिस्कस तो वैसे भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। हिबिस्कस से आपके बालों की लगभग 90% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब इस हेयर पैक को आपको अप्लाई कैसे करना है? इस हेयर पैक को आपको रूट से टिप तक अप्लाई करना है अच्छे तरीके से। फिर शॉवर कैप से कवर कर लें, 2 घंटे बाद वॉश कर लें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारी सीरीज के फर्स्ट पार्ट को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और सीख भी ली होगी इस हेयर ऑयल की रेमेडी। इसको बनाइए, इस्तेमाल करिए, यकीनन ये आपको बहुत फायदा देगा। और इसका सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सेकंड पार्ट भी इसका अपलोडेड होने वाला है, जिससे आपको फायदा पहुंच सके और आप इस सीरीज को पूरे तरीके से फॉलो कर सकेंगे।